ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। नमस्कार, मैं सरोज हाशमी। मुंबई पुलिस के लिए अब आसान होगा। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के गुर्गों तक पहुंचना पुलिस के लिए दरअसल महाराष्ट्र पुलिस का वो सिस्टम। मुंबई के 94 पुलिस स्टेशनों में अपडेट हो गया है, शुरू हो गया है, जिसके जरिए वांटेड क्रिमिनल भारत के दूसरे शहरों में, देश विदेश में या दुनिया के किसी भी शहर में, किसी भी कोने में होंगे, उनकी पूरी कुंडली एजेंसियों को माउस दबाते ही ऑनलाइन मिल जाएगी। महाराष्ट्र पुलिस ने पिछले एक सप्ताह में ही ऑटोमेटिक मल्टी मॉडल बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम शुरू कर दिया है। मुंबई पुलिस का यह सिस्टम कुछ महीने में नेशनल क्राइम ब्यूरो और इंटरपोल से भी कनेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देश विदेश में दाऊद इब्राहिम, छोटा शकील जैसे अंडरवर्ल्ड अपराधी या आतंकवादी या करोड़ों की ठगी कर फरार होने वालों को केंद्रीय जांच एजेंसी उनकी पूरी डिटेल इंटरपोल से शेयर कर सकती है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का यह 3 साल पुराना सपना था, यानी ड्रीम था, जिसकी जिम्मा CID और साइबर पुलिस के IG ब्रिजेश सिंह को सौंपा गया था। फिलहाल ये सिस्टम मुंबई के सभी 94 पुलिस स्टेशनों में शुरू हो गया है, जिसका उद्घाटन मुंबई पुलिस कमिश्नर संजय बर्वे ने किया है। लेकिन आने वाले कुछ ही महीनों में महाराष्ट्र के सभी 1200 पुलिस स्टेशनों में शुरू हो जाएगा। अपराधियों को पकड़ने पर उनके फिंगरप्रिंट लिए जाते थे। कुछ महीनों पहले से मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के रेटिना रिकॉर्ड भी रखने शुरू कर दिए हैं। लेकिन ऑटोमेटिक मल्टी मॉडल बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम में अब गिरफ्तार आरोपी के हाथ के पंजे, उंगलियों के निशान, आंख की पुतली और चेहरा भी MBIS में डाल दिया जाएगा। उससे आरोपी कितना भी भेष बदल ले या फिर नाम बदल कर घूमेगा तो फौरन पुलिस को, एजेंसी को, एक सेकेंड में उसकी पहचान, उसकी जन्म कुंडली खुल जाएगी। और इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहे प्रहार टाइम्स।